एक टीस्पून ऑयल चाहिए, थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स, जीरा, टर्मरिक, नमक, आमचूर पाउडर या मैंने थोड़ा सा चाट मसाला भी लिया है अगर आपको थोड़ा चटपटा सा चाहिए। उसके बाद मुझे चाहिए टमाटो गोल कटे हुए पतले, शिमला मिर्च एंड अनियन। जो लोग अनियन नहीं खाते वो इसको स्किप कर सकते हैं। फिर मुझे चाहिए बॉइल्ड आलू मैश करा हुआ, मटर बॉइल्ड एंड कोरिएंडर फ्रेशली कट। उसके बाद ब्रेड चाहिए, एक स्लाइस्ड चीज, बटर और फिर गार्निशिंग के लिए नाइलॉन सेव, जो 0 नंबर की सेव आती है, हरी धनिया की चटनी और ये टमाटो केचप। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपने इन इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो हम कढ़ाई रखेंगे ऑयल गरम करने के लिए। ये मैंने टीस्पून ऑयल लिया है, 1 टीस्पून ऑयल लिया है और हम ज़्यादा ऑयल ना लेके इसी में अपना राई, क्यूमिन सीड्स मतलब जीरा एंड अपने आलू को मिक्स करके उसके बाद हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और मिक्स करेंगे। हल्दी डालने के बाद हम डालेंगे अपना मैश करा हुआ पोटैटो। अपने मैश करे हुए पोटैटो को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे उबले हुए मटर और इसको मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट तक हम इसको चलाएंगे और फिर हम इसमें डालेंगे नमक। नमक डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी डाला है, वो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से डालें, आपको जैसा पसंद है। इसको थोड़ा चलाएं, अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लें और फिर लास्ट में हम डालेंगे इसमें थोड़े से फ्रेश कोरिएंडर।